और मैं एक बात जो है ना वो बड़ी कड़वी करने लगा हूँ। बोला तूने एक पहले क्या बोला, चल जेडे इत्थे बैठे हो कभी भी बैठे। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई तारी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज वीडियो को स्किप नहीं करना प्लीज, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आज वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग उनके लिए जो 18 एज के हैं, 23 एज के हैं, उनके लिए ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, आपकी जिंदगी बन जाएगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आज आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। आज मैं एक बात जो है ना वो बड़ी कड़वी करने लगा हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे। ये जो यंग एज के लड़के होते हैं ना, ये कहते हैं हम बाहर जाएं। यार बाहर आप जाएं, 18 साल आपकी एज होगी, 20 साल होगी, जब आपके वालदैन जो है बुजुर्ग हो गए, उनकी खिदमत का टाइम आया, तो आप कहते हैं हम बाहर चले जाएं। यार लख लाना नहीं है ऐसी ज़िंदगी पे कि जब वालदैन की खिदमत करने का टाइम आया तो आप कहेंगे हम बाहर जा रहे हैं। ये क्या बात हुई, वालदैन की जो खिदमत करता है ना इस नीयत से कि यार मैंने कुछ हासिल करना है, वो बंदा अपने वालदैन की खिदमत करे, मैं यकीन से कहता हूँ वो बंदा दिन ब दिन तरक्की वाली साइड पे आएगा, वो कभी दर बदर धक्के नहीं खाएगा, ये मैं आपको बता दूं। वो बंदा जिंदगी में कुछ कर लेगा यार जो अपने वालदैन की खिदमत करेगा। ये क्या बात हुई कि मैं बाहर जा रहा हूँ जी, पीछे वालदैन जो है बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, वो धक्के खा रहे हैं और पुत्र जड़ा है उत्थे बाहर जाशियां कर रहे हैं, कड़ी गल होगी। नहीं ये जो बात मैं कह रहा हूँ हाफिज साहब, ये मुझे आप बता दे मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं, वालदैन की यार खिदमत करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, जब उनकी खिदमत का टाइम आया तो आप कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। ना 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 मेरा भाई, ऐसा नहीं, वालदैन की खिदमत करो, इस नीयत से कर लो कि यार मैंने तरक्की करनी है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ यार आप तरक्की करेंगे। वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में कहावत है, जेडे इत्थे बैठे हो कभी भी बैठे, जेड़ा इत्थे तंग है वालदैन की खिदमत नहीं करता वो बंदा बाहर भी तंग। जे मैं तुम दस रहा, वालदैन की खिदमत किया करो मेरा भाई। घर में इतने पैसे है या नहीं है, मैंने बाहर जाना है, बस रट लगाई घर में, पता भी है यार हमारे वालदैन के पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी मैंने बाहर जाना है। वो फिर क्या करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं जिनके साथ वो कभी ज़िंदगी में बोलना भी गवारा नहीं करते थे, उनसे पैसे मांग रहे हैं सिर्फ आपकी खातिर। और आप जब बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, माल शाल कमाने लग जाते हैं, तो फिर वालदैन की आपको कदर ही नहीं होती। अगर मेरी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो ना तो मैं माजरत करता हूँ, अगर मेरी बात किसी के दिल को लगे, अच्छी लगे, तो वो ना मुझे लाइक भी करे और सब्सक्राइब भी करे, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियो आप पहले देखें तो बेल आइकन पे भी दबाना है। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल, ओके अल्लाह हाफिज़।